वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हम भी ठीक हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बोर्ड पूरा दिख रहा है? सो वन प्रिया इज न्यू स्टूडेंट आई थिंक ना, प्रिया? कहाँ घर हुआ आपका? साहेब। ओके। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक ना? फिजिकल वर्ल्ड का फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर पढ़ रहे थे, जिसमें कि लास्ट का दो जो है छोटा छोटा वो बाकी रह गया था, ठीक? तो और सबसे पहली बात, नोट्स बना लिए आप लोग सब? फिजिकल वर्ल्ड का नोट्स बना लिए? थोड़ा सा बाकी है। और बाकी कोई? अतिका? देखो, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना? क्योंकि क्या है कि मान के चलो, आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कल यूज होगा उसका, ठीक ना? वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको चाहिए, ठीक ना? तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखना है तो कैसे रखोगे? बार बार रिवाइज करना पड़ेगा बीच में। तो उसके लिए नोट्स जो होना चाहिए वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए नोट्स। हम तो उतना मेहनत करके तुम लोग के लिए नोट्स बना के हम भेज दिए थे। हम लोग का टीचिंग के लिए जो हम लोग के नोट्स होता है तो उसमें बहुत सारा कुछ मेंशन नहीं होता है, लेकिन सोचे कि अच्छे से नोट्स बनाया करो, ठीक ना? क्योंकि नोट्स ही जो है, जैसे कि रिवीजन सब करोगे तो नोट्स ही काम आएगा फिर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग जो है लास्ट क्लासेस में फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हम लोग टोटल चार फोर्सेस देखे थे कि फंडामेंट नेचर में जो मेन फोर्सेस है वो कितना है? चार। कौन कौन सा है कोई बता पाएगा? फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। और ओके, सो देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक ना? सबसे पहला फोर्स जो है कौन सा है? तो सबसे पहला फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो हर एक कोई भी बॉडी है, अगर जिसके पास मास है तो हर एक बॉडी, दो बॉडी के बीच में वो फोर्स लगता है, ठीक ना? और उसके ही वजह से आज हम लोग जो है वो स्टेबल है प्लेनेट में, अर्थ में, और बहुत सारा चीज़ हम लोग देखे भी थे उसके बारे में, ठीक ना? ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो,
इवेन कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई अमेरिका में भी हो, तो उसको भी हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक ना। लेकिन हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग बात भी किए थे, वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में, नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, इसीलिए उतना फील नहीं होता है। हम लोग अपने आसपास जिसके भी आसपास है उसको भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना, फोर्स लगाते हैं, वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, बट हम लोग को फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स जो है वो काफ़ी वीक होता है। उसके बाद जो है हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो 10^7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, और जिसके कारण हम लोग को फील आता है, ठीक ना। हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फील होता है, जैसे हम एग्जाम्पल भी बताए थे, जब हम लोग कोई चीज़ को टच करते हैं तो एक सेंसेशन होता है, फील होता है हम लोग के स्किन में, तो वो सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक ना। तो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसीलिए वो हम लोग को फील होता है। तो उसके बाद फिर जो थर्ड फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक ना। तो हम लोग बात किए थे, जब कल हम लोग बात कर रहे थे, ठीक ना, तो उस पर हम लोग क्या बात किए थे कि फोर्सेस जो है वो चार तरह का होता है, जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो न्यूक्लियस वो तो हर जगह लगेगा, ठीक ना, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है, और न्यूक्लियर फोर्सेस जो है तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, ठीक ना। एटम, कोई भी एटम जो बना हुआ है, कोई भी मैटर बना हुआ है, तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे क्लास 9 10th में, कि हर एक मैटर जो है उसका स्मॉलेस्ट कंपोजिशन क्या है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक ना। तो ये फोर्सेस जो लगता है वो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। तो न्यूक्लियस के अंदर दो फोर्सेस लगता है, एक जिसको हम लोग एक को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं और एक को वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस तो खैर चारों फंडामेंटल फोर्सेस का इंपॉर्टेंस है ही, ठीक ना, इक्वली इंपॉर्टेंस है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग अगर देखें, अगर हम लोग बहुत फंडामेंटली अगर हम लोग बहुत बारीकी से अगर देखें, तो विदाउट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, विदाउट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लाइफ जो है पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी मैटर जो है या कोई भी एटम, ठीक ना, कोई एटम जो होगा स्टेबल होगा ही नहीं। अभी हम लोग देखेंगे क्यों। तो सबसे पहली बात क्या है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है एक्ट्स विद इन द न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है वो कहाँ पे लगता है, विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। हम लोग जानते हैं एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, ये एटम का स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस इस तरह से होता है इसके अंदर। तो ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगता है ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है, ठीक ना, एटम से भी छोटा है न्यूक्लियस, बहुत छोटा है, ठीक ना। अगर हम लोग बात करें कितना छोटा है, तो एक फुटबॉल ग्राउंड देखोगे, बहुत बड़ा फुटबॉल सा ग्राउंड होता है, ग्राउंड उसका बहुत बड़ा होता है। तो अगर हम लोग एक फुटबॉल ग्राउंड को अगर हम लोग एक एटम अगर कंसिडर करते हैं, तो उस फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर में अगर एक पी रख दोगे ना, पी मटर का दाना, तो उतना छोटा है हमारा न्यूक्लियस, ठीक ना। तो ये जो फोर्सेस जो लगता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वो विद इन द, मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस लगता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको। सेकेंड क्या है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दुनिया में जितना भी फोर्सेस एग्जिस्ट करता है उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक ना, नाम भी है स्ट्रॉन्ग। उसके बाद फिर क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये जो होता है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक ना। क्योंकि हम बताए थे लास्ट क्लास में कि फोर्स का नेचर जो है वो दो हो सकता है, कोई कोई फोर्सेस जो है वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है, और कोई कोई फोर्सेस जो है वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा दो मासेस का बॉडी के बीच में लगता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वो रिपेल कभी नहीं करता है। लेकिन चार्जेस के बारे में तो हम लोग जानते हैं, ठीक ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो लगता है वो अगर सेम चार्जेस के बीच में लग रहा है तो वो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस के बीच में लग रहा है तो अट्रैक्ट करेगा, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का नेचर क्या होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये अट्रैक्ट करेगा, जिसके जिसमें भी फोर्स लगेगा उसको अट्रैक्ट करेगा। अब क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस, ये जो है
वो चार्ज के इंडिपेंडेंट है, मतलब चार्ज से इसको कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है इससे कोई भी लेना देना नहीं है किसको, तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को। अब बात क्या आता है कि अगर ये फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर लगता है, फोर्स जो है न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पे लगता है, ये न्यूक्लियस है, ये मेरा एटम है, तो ये फोर्स जो है न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको अगर हम लोग बड़ा करके अगर हम लोग देखें, तो इसको अगर हम बड़ा कर रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक ना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्या क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, हाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है दोस्त, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बहुत, हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर सराउंड करता है इस तरह से ऑर्बिट में वो सराउंड करता है इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो होता है दो पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक ना। हम ये जो ब्लू से मार्क कर रहे हैं ये प्रोटॉन है, और रेड से जो मार्क करेंगे वो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो देखो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, बहुत कम स्पेस होता है ये, ठीक ना। इसीलिए होता है स्ट्रक्चर गोल, लेकिन एक दूसरे से छुपा हुआ है ना, तो हम तो प्लेन में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहे हैं, इसीलिए इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से एक्चुअल में इसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, ठीक ना, मान के चलो इस तरह से है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, ये तो बेसिक एटलीस्ट इतना आता हो, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना। चार्जेस दो तरह का होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो चार्जेस के बारे में बताया है कितने तरह का होता है, दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज होता है, इसके ये तो न्यूट्रल होता है, ठीक ना, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस बॉडी है, चार्जलेस सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब देखो क्या है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं, बहुत क्लोजली बनाए हैं, ये तो हम इतना बड़ा बनाए हैं, ये तो है तो और भी क्लोज है, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो क्या है, एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है, एक दूसरे से अगर हम दो प्रोटॉन का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन, और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और डिस्टेंस तो दोनों के बीच में बहुत छोटा है। डिस्टेंस हम जानते हैं, ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना होता है, इसका न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10 to the power, देखो यहाँ पे एटम का साइज जो होता है वो 10 to the power -10 मीटर के अप्रोक्स होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक ना। सोचो हम लोग को ये एटम को पता है, तुम लोग को एटम को आज तक हम लोग देख नहीं पाए हैं, इसको देखने के लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और वो इतना एक्सपेंसिव होता है, 3 crore 4 crore से ज़्यादा उसका एक्सपेंसिव, उतना उसका डिवाइस का ही दाम है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो जनरली ये बहुत जहाँ पे रिसर्च, जहाँ पे बहुत हाई रिसर्च चलता है, या फिर बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में इस तरह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे वो लोग देख सकता है, हालांकि पूरा क्लियर एक एक एटम को अलग करके वहाँ पे भी नहीं देख सकता है, ठीक ना। और अगर बात करें हम तो अपने आँखों से, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा देता है और फिर भेजता है, और फिर जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो वो फिर एक पिक्चर बना देता है, जिस तरह से एक्सरे होता है ना, एक्सरे जैसे कि एक्सरे हम अपना यहाँ से पास कराएंगे अपने हैंड से, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी बोन होगा या जो भी फ्रैक्चर होगा या फिर जो कुछ भी होगा यहाँ पे,
डिफॉल्ट उसको वहाँ पे वो शो करता है इमेज पे, है नहीं है जो कुछ भी होगा यहाँ पे, बोन का इमेज शो करता है ना एक्सरे रिपोर्ट, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। लेकिन वो आँखों से हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हम लोग एटम्स को, इतना छोटा है। और कभी कभी तुम लोग को तो मेरे मन में तो कभी कभी ये ख्याल आता है, क्या आता है कि मान के चलो कभी ऐसा हो कि पता चले कि एटम किसी तरह का एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो सोचो पूरा केमिस्ट्री पूरा फिजिक्स गलत हो जाएगा सब। लेकिन इसको आज तक कोई देखा नहीं है, बट जो एक्सपेरिमेंटेशन है या जो कंक्लूजन है जो ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार से लगता है कि कुछ इस तरह का सिस्टम है किसी भी मैटर में, जो कि उसको इसका कोई भी मैटर का फंडामेंटल पार्ट जो है कुछ इस तरह से है, ऐसा हम लोग मानते हैं, जिसको हम लोग एटम और न्यूक्लियस का नाम दिए हैं। तो एटम का साइज जो है 10^-10 मीटर के रेडियस होता है इसका, बहुत छोटा हो गया, और उससे 1,00,000 टाइम्स और छोटा हो जाता है 10^-15 मीटर के ऑर्डर में होता है न्यूक्लियस, बहुत छोटा है। तो देखो ना ये डिस्टेंस जो है बहुत छोटा नहीं है, इस पूरे रेडियस है वो, रेडियस कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10^-15 मीटर, बात समझ में आया। तो अब देखो अगर तुम लोग से अगर हम पूछे कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन प्रोटॉन है उसके यहाँ पे देखो, न्यूट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है तो कोई झंझट नहीं है। लेकिन हम इससे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से जस्ट पहले हम पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या बोलता है कि कोई भी चार्ज हो अगर सिमिलर चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, सिमिलर चार्ज है तो उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कि दूसरे को रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होता है हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, तो यहाँ पे फोर्स जो लगेगा ये बहुत ही बड़ा होगा, वेरी ह्यूज फोर्स, बात समझ में आया। अब मान के चलो मेरे पास न्यूक्लियस है, हाँ अच्छा फिर से समझो, हम क्या बोल रहे हैं कि देखो हम लोग एक चीज़ पहला तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम लोग क्या पढ़े हैं कि दो चार्जेस के बीच में अगर कोई दो चार्ज है तो उसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, बात क्लियर है। अगर लाइक चार्जेस है, अगर सेम चार्जेस है अगर, तो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेगा, इतना क्लियर है। हाँ अब अगर इतना क्लियर है तो हम फिर उसी के बारे में हम सोच रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इतना छोटा होता है 10^-15 मीटर का ऑर्डर पे होता है, 10^-15 मीटर हम लोग इतना मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक ना, इतना बहुत छोटा क्वांटिटी है 10^-15 का अगर हम लिख के बताएं, अगर तुम लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसका मतलब हुआ 0.0, यहाँ पे 0.15 लगाओ तब फिर एक लगाना होगा, 1। ये न्यूक्लियस का जो साइज है वो इतना मीटर है, इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करोगे तो इनटू 100 करना पड़ेगा, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तभी देखो तुम इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना छोटा क्वांटिटी है ये, बात समझ में आ रहा है, इसका साइज जो है वो कितना छोटा है, देखो इसको 1 सेंस में काउंट भी नहीं कर पाएंगे हम, ठीक ना। तो अब क्या है कि इतना सा छोटा जगह में, इतना छोटा जगह में बहुत सारा प्रोटॉन है, बहुत सारा न्यूट्रॉन है ना, बात समझ में आया। तो अब क्या है कि मान के चलो इतना छोटा सा जगह में अगर हम दो सेम चार्ज को रख देंगे तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स का जो वैल्यू होता है कल हम लिखे थे क्या होता है, F=K Q1 Q2 / r2। देखो ना अगर r का वैल्यू को अगर हम बहुत छोटा कर दे
ये तो न्यूक्लियस का साइज है, इसके बीच का साइज तो और छोटा होगा। तो अगर हम आर का वैल्यू को उतना छोटा कर दे तो ये पूरा फोर्स का वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, इन्फिनाइट जैसा नहीं हो जाएगा? देखो तो क्या कहते हो उत्तम? हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं कि ये फोर्सेस जो है ना वो बहुत ह्यूज हो जाएगा। अब बहुत ह्यूज फोर्सेस हो जाएगा तो ये फोर्सेस तो इसको क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि ये प्रोटॉन जो है बोलेगा कि एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अब रिपेल कर रहा है तो इतना ह्यूज फोर्स लगेगा तो चार्जेस एक जगह रहेगा। हाँ अच्छा, चलो देखो, तुम बोल रहा है लाइक पोल क्या करता है? अच्छा ठीक है, तो देखो क्या है कि तुम लोग जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि लाइक चार्ज, लाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर, कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर होता है। हाँ, तो लाइक पोल देखो ना, यहाँ पे चार्जेस जो है अभी तुम लोग को अभी हम बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का मतलब होता है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों फोर्सेस को मिला के तुम लोग को हम बताए भी थे यूनिफिकेशन में कि मैक्सवेल जो है वो सारा फोर्सेस को क्या किए हैं, यूनिफाई किए हैं, एक ही फॉर्मूला से हम लोग दोनों को हम लोग डील कर सकते हैं। खैर देखो, तो होता क्या है ना उत्तम, कि अगर मेरे पास अगर कोई दो चार्जेस है, देखो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई दो चार्जेस है तो इसके बीच में क्या लगेगा, अगर सेम चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये फोर्स इसमें इधर लगाएगा और ये फोर्स इसमें इधर लगाएगा, ठीक ना? उसी तरह से अगर मान के चलो नेगेटिव चार्जेस है तो ये भी सेम चार्जेस है तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ठीक? लेकिन अगर हम बात करें इस प्लस और इस माइनस के बीच में फोर्स, तो ये प्लस जो होगा ये माइनस को अट्रैक्ट करना चाहेगा, इधर फोर्स लगाएगा, और ये प्लस ये माइनस जो है वो प्लस को अट्रैक्ट करेगा और अपने तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्सेस जो है देखो, ये फोर्सेस जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक ना? क्योंकि फोर्सेस जो लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है, अलग अलग चार्जेस के बीच में लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। लेकिन अगर हम बात करें ये दोनों फोर्सेस के बारे में, ये जो फोर्सेस जो लग रहा है और ये फोर्सेस जो लग रहा है, ये तो सेम चार्जेस के बीच में लग रहा है ना, तो ये फोर्सेस रिपल्सिव नेचर का होगा, ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक ना? क्या कहते हो, बोलो उत्तम? तो ये चीज समझ में आया अभी? अब देखो ना, यही चीज का तो यहाँ पे एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखो तो दोनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, बताओ? हाँ दोस्त, तुमको नेगेटिव दिख रहा है क्या? हाँ, हो, अरे पॉजिटिव है यार, और किसी को नेगेटिव दिख रहा है क्या? प्रोटॉन में नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ जाएगा, ये तो प्रोटॉन का हम बनाया है ना, तो प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, हम तो प्लस। चलो खैर कोई बात नहीं, तो देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब अगर ये चीज़ समझ में आता है तो तुमको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर ये प्रोटॉन जो है एक दूसरे को इतना ज़्यादा रिपेल करेगा तब तो ये न्यूक्लियस के अंदर रह ही नहीं पाएगा इतना छोटा जगह में। अब न्यूक्लियस जब अगर स्टेबल नहीं होगा, न्यूक्लियस में ही नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस रहेगा नहीं, और न्यूक्लियस अगर स्टेबल नहीं है तो एटम स्टेबल नहीं है, और एटम स्टेबल अगर नहीं है तो दुनिया में ऐसा कोई भी मैटर नहीं होगा जो कि स्टेबल होगा, फिर क्या कहते हो, पॉसिबल हो पाएगा? अगर मान के चलो ये दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, वो फंडामेंटल फोर्सेस है। अब ये बहुत छोटा जगह पे है और दोनों सेम चार्जेस है तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो एक दूसरे से इतना दूर चला जाएगा कि फिर न्यूक्लियस बनेगा ही नहीं, और न्यूक्लियस नहीं बनेगा तो फिर एटम का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एटम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई भी मैटर जो है, मैटर तो एटम से ही बना हुआ होता है, तो ये कैसे बनेगा मैटर, मैटर कोई स्टेबल हो पाएगा, बताओ? हम लोग खुद मैटर से बने हुए हैं, हम लोग हर चीज़ जो है वो एटम से ही बना हुआ है, तो कोई चीज़ बनना पॉसिबल ही नहीं था। फिर अगर
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही, तो उसके अनुसार तो कोई चीज़ बनना पॉसिबल ही नहीं था, ठीक ना। कोई चीज़ स्टेबल ही नहीं होता, कोई भी मैटर, ठीक ना, कोई भी, तुम अपने नज़र में कुछ भी देख लो, हर चीज़ एटम से बना हुआ है। और अगर इस तरह का फोर्स लगता है, और सिर्फ अगर यही फोर्स अगर लगे तो स्टेबल होगा ही नहीं कुछ। तो यहीं पे आता है इम्पोर्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का आता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्जेस, देखो यहाँ पे हम इसीलिए इस बात को हम लिखे थे इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इसको चार्ज से मतलब नहीं है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, इसको चार्ज से मतलब नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल्स अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो ये फोर्सेस उस पर लगेगा, ठीक ना, ये फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उस पर लगेगा। तो ये करता क्या है, ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है उसको काउंटर करने के लिए कौन सा आता है, इसको काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्स जो है क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, ठीक ना, इस दोनों प्रोटॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब मान के चलो क्या है, तुमको बीच में हम खड़ा कर दिए, अब एक दोस्त तुमको जो है वो राइट साइड से खींच रहा है, एक दोस्त है वो तुमको लेट से कि मान के चलो, अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम हो और तुम्हारे दोस्त है, दोनों तुम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आपस में हाथ से जुड़े हुए हो। अब और दो लड़का आ गया, अब वो दोनों जो है वो क्या कर रहा है, एक तुमको खींच रहा है अपोजिट साइड में, एक तुम्हारे दोस्त को खींच रहा है अपोजिट साइड में, तो फिर इस तरह से तो तुम लोग अपने दोस्त से बिछड़ जाओगे, ठीक ना, फोर्स लगाएगा अपोजिट साइड में। तो लेकिन अगर मान के चलो क्या है, अगर वो दोनों जो है अगर एक ही साइड फोर्स लगाने लगे तो वो भी तुमको फोर्स लगा रहा है इधर, और इधर वाला जो बंदा है वो भी तुम्हारे दोस्त को फोर्स लगा रहा है इधर, तो क्या होगा, तुम लोग दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आओगे, आओगे कि नहीं। तो इससे क्या होगा, जो फोर्स उधर लगा रहा था, ठीक ना, अब वो क्या होगा, बैलेंस होगा। अब हम जानते हैं कोई बॉडी तभी मूव करता है, ये तो मैकेनिक्स का बहुत फंडामेंटल बात है, कोई बॉडी तभी मूव करता है जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है, ठीक ना, अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तब वो मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना फोर्स ये लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा कौन फोर्स लगाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इस तरह से क्या करता है कि जो फोर्स इसको एक दूसरे से दूर कर रहा था, ठीक ना, और न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रहा है, एक दूसरे को पास ला रहा है, तो ऐसे में ये फोर्सेस जो है, नेट फोर्सेस जो है इस पर वो कैंसल आउट हो जाता है, थोड़ा सा फोर्सेस रहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ताकि ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में रहे। तो यहीं पे इम्पोर्टेंस आता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटोन प्रोटोन के बीच में अगर नहीं लगेगा तब तो कोई चीज़ स्टेबल ही नहीं होगा, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस आता है इस चीज़ का, बात समझ में आया। अब क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस है। चार्जेस से इसको मतलब नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है या चार्ज नहीं है, ये फोर्सेस जो है इट एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है न्यूक्लियर फोर्स, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, ठीक ना। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि चार्ज तुम्हारे पास क्या है। और इस तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हेल्प करता है न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए, ठीक ना, और न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए हेल्प करता है। और इसी के कारण एक न्यूक्लियर फोर्स ही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसके कारण कोई मैटर जो है या कोई एटम या मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होता है नेचर में। अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी चीज़ स्टेबल फिर नहीं रह जाएगा। आया समझ में ये बात, जितना हम लोग यहाँ पर बात किए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। देखो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में हम इसलिए भी यहाँ पे हम बात कर दिए क्योंकि हम लोग को 11 12th में बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बहुत बेसिक डिटेल बेसिक पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th के एंड में मॉडर्न फिजिक्स में।
ठीक ना। तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दिए इसकी रिगार्डिंग। तो अगर किसी को कोई भी बात यहाँ पे समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत हो तो पूछो, और अगर दिक्कत नहीं है तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब देखो होता क्या है, बहुत सारा कुछ देखो समझाने के लिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, ऐसा नोट्स में सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक ना। नोट्स में हम इतना बात जो बोलेंगे वो कैसे हम समझा पाएंगे। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, और किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछो। रिया समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा आया तो पूछो, क्या समझ में नहीं आया, क्या थोड़ा थोड़ा आया समझ में आया, बोलो। ओ अच्छा, तुम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस नहीं किए ना। अच्छा ठीक है, खैर हम तो कोशिश किए यहाँ पे लगभग सब कुछ समझाने को ही। चलो ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। एक चीज यहाँ पे और मेंशन कर सकते हो, इट इज ड्यू टू दिस फोर्स ओनली एनी एटम्स कुड स्टे स्टेबल, ठीक ना। विदाउट दिस कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं हो सकता है। हो गया दोस्त? ओके, तो इरेज कर दे। ओके तो तुम लोग देख रहे हैं ना कितना फिजिक्स जो है पढ़ना कितना जरूरी है, कितना इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग जो है एक एक चीज़ पूरा फंडामेंटल समझेंगे कि एक्चुअली नेचर जो है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे वर्क करता है, हर कुछ जान सकते हैं हम लोग जब अगर फिजिक्स पढ़े तो। अब फोर्थ वन एंड लास्ट वन, ठीक ना, क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये भी लगता है, कहाँ पे लगता है? तो न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी लगता है तो अगर हम मोर प्रिसाइज अगर बात करें तो ये लगता है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो ये जो फोर्स जो लगता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये कहाँ पे लगता है? एक्ट्स इनसाइड, एक्ट्स इनसाइड द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ये अंदर लगता है, ये न्यूट्रॉन के अंदर लगता है, ठीक ना। और न्यूट्रॉन के अंदर लगता है तो कैसे लगता है? देखो ये लेट से कि मेरा न्यूट्रॉन है, ठीक ना। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो कभी कभी क्या होता है ना, किसी हेवी
एटम जो होता है, मतलब कोई बड़ा एटम जो हो गया, तो उसका न्यूक्लियस जो होता है कभी कभी स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं स्टेबल होता है? इसी रीजन के कारण। होता क्या है ना कि न्यूट्रॉन जो है ये टूट जाता है, ब्रेक्स इनटू, ये टूट जाता है और क्या क्या बनाता है, तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बनाता है। प्रोटॉन बनाता है, प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, और थर्ड जो है वो एंटी न्यूट्रोनो। अब एंटी न्यूट्रोनो क्या है अभी समझाना पॉसिबल नहीं है, बट इतना जानो कि अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है इस तरह से होता है, एंटी न्यूट्रोनो। तो न्यूट्रॉन जो है ये, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक ना? इस पर तो चार्ज क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये टूटता है, न्यूट्रॉन के अंदर जो कंपोजिशन टूटता है, कहने का मतलब ऑब्वियसली न्यूट्रॉन के अंदर ये सब होगा, यही सबसे ना मिलके बना हुआ होगा न्यूट्रॉन। अब क्या है कि देखो, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है के इज इक्वल टू, अच्छा एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है किसके बीच में? दो चार्ज के बीच में, ठीक ना? अब देखो न्यूट्रॉन इतना छोटा है, इतना छोटा, बहुत छोटा हो गया, ये न्यूक्लियस से तो बहुत छोटा हो गया ना, न्यूक्लियस से बहुत छोटा हो गया। तो अब इतना छोटा जगह में ये दोनों चार्जेस है, ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्सेस जो देखो, अच्छा ये फोर्स यहाँ पे इसके बीच में नहीं लगता है, ये फोर्स जो लगता है ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के बीच में लगता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के बीच में लगता है, ठीक ना? तो यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूट्रॉन के अंदर, ये थ्री पार्ट्स है, उसमें से इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के बीच में क्या फोर्स लगता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है तो कभी कभी क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है। ब्रेक कर जाने से फिर तुम लोग आगे पढ़ोगे या केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी हम लोग को पढ़ना है, फिजिक्स में अभी तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पहले इसको रेडियो एक्टिविटी ये सब जो है वो केमिस्ट्री में पहले पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स ये सब 12th का कुछ कुछ चैप्टर से तुम लोग का। फिजिक्स में जो हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, तो वो एकदम लास्ट में, हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है, क्लास 12th का लास्ट टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स, तो उस पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि बहुत सारा न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, ठीक ना, या न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन ये सब जो होता है, तो वो सब में यही सब प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, और ये काफ़ी एनर्जेटिक होता है। एंटी न्यूट्रिनो जो है ये हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक। ठीक ना, बहुत ही एनर्जेटिक होता है ये, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो अभी जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, इससे ज़्यादा अभी तुम लोग को समझ में भी नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा अभी हाँ समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे ये सब टर्म है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक ना? तो फिलहाल के लिए क्या हम लोग जानते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये फोर्थ फंडामेंटल फोर्स है नेचर का, और वो कहाँ लगता है? इट एक्ट्स इनसाइड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन के अंदर लगता है ये तुम्हारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जब ये फोर्सेस लगता है किसके किसके बीच में लगता है, तो वो चीज़ एक लिख लो, इट एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक ना? इस दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में ये फोर्सेस लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता चल गया, जितना हम बताया उतना समझ में आया। इस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, बट जितना हम बताया उतना समझ में आया इस पे। हाँ, तो इसको भी नोट डाउन करो जल्दी से फिर हम लोग का, और इसी के साथ ये जो चैप्टर होता है फिजिकल वर्ल्ड जो है, अच्छा अभी समाप्त नहीं हुआ है रे, जल्दी से इसको लिखो, तो हम लोग एक रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बात कर लेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बीच में। जल्दी से नोट डाउन करो।
हो गया दोस्त। न्यूट्रॉन में तो चार्ज जीरो होता है, तो हाईली एनर्जेटिक कैसे होगा? एके गेमर, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? एके गेमर नाम खतरनाक खतरनाक रखता है। अंकित कुमार कौन सा गेम खेलता है? इतना जल्दी तुम सो के उठेगा? ओ तो क्या हुआ, सचिन का फोन? ओ सचिन भी तो है। हाँ सच, ठीक है ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। क्या चीज़? बोलो बोलो। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जीरो हो गया तो हाईली एनर्जेटिक क्यों हुआ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन ना। देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या है ना, न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे, अभी देखो हम लोग पढ़ेंगे आगे, तुम लोग भी पढ़े होगे, क्लास 9th में भी पढ़े हो ये चीज़। जब हम लोग कोई न्यूक्लियस कैसे ब्रेक होता है, न्यूक्लियस ब्रेक होता है दोस्त, अगर कोई उसको, कोई अगर हेवी न्यूक्लियस अगर है, ठीक ना, हेवी न्यूक्लियस कहने का मतलब उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है ना, जैसे कि तुम लोग देखना ट्रांसूनियम जो हो गया, यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 92, तो यूरेनियम के बाद जितना भी है वो सब हेवी एलिमेंट्स उसको कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग का न्यूक्लियस का जो साइज है वो बड़ा होता है। न्यूक्लियस का साइज अगर बड़ा है ना तो फिर वो स्टेबल नहीं हो पाता है वहाँ पे, थोड़ा सा अगर कुछ भी अगर हम इंट्रोड्यूस कर दिए, न्यूक्लियर रिएक्शन सब कराया तो बहुत इजीली हो जाता है, तो उससे बहुत हाई एनर्जेटिक एनर्जी मिलता है हम लोग को न्यूक्लियर रिएक्शन में। देखो ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, और इट इज़ अमोंग वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इसको फ्यूचर के लिए अगर भी देखा जाए तो ये फ्यूचर के लिए भी अगर एनर्जी का सोर्स को अगर कोई, ये जो क्राइसिस जो चल रहा है अभी इलेक्ट्रिसिटी का या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो क्राइसिस चल रहा है अर्थ में, इसको सॉर्ट आउट करने का जो है वो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब जो है वो एक उपाय है, ठीक ना। लेकिन ये सब अभी प्रेजेंट में इतना ज़्यादा क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी होता है, ठीक ना। क्योंकि एनर्जी जो है, इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हम लोग को सन से एनर्जी भी मिलता है तो इसी से ना मिलता है, न्यूक्लियर फिजन से। तो एनर्जी जो वहाँ से भी सोचो, उतना दूर से एनर्जी ट्रेवल करके आ रहा है तो भी हम लोग को इतना एनर्जी मिलता है। धूप के समय में तुम 12 बजे 1 बजे तुम खड़े हो जाओगे अगर धूप में, तो रह नहीं पाओगे। इस तरह से धूप इतना 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, सोचो उतना दूर से आता है सनलाइट, तब भी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी वही होता है, न्यूट्रॉन जब ब्रेक करता है ना, तो ब्रेक करता है तो इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में तो एक फोर्स था ना, तो फोर्स क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है। अब हम लोग, तुम पढ़ा होगा वर्क एनर्जी एंड पावर में, कि जब कोई बॉडी को हम लोग किसी फोर्स से हम लोग उसको धक्का देते हैं, अगर वो मूव करता है तो क्या एनर्जी वो वर्क करता है कि नहीं। और वर्क एनर्जी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। वर्क जो है, एनर्जी जो है, हम लोग देखेंगे दोनों रिलेटिव टर्म है। तो यहाँ पे भी फोर्सेस था दोनों के बीच में, जैसे ही फोर्स रिलीज होगा तो यहाँ पे फोर्स, कोई फोर्स इसको मतलब कि फोर्सफुली इसको एक दूसरे को दूर भेज रहा है, तभी ना एक आपस में ये टूट रहा है, नहीं तो जुड़ा हुआ रहता। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो इस दोनों के बीच में फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है तो इसके कारण ये मूव करता है, तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो फिर एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट होगा। तो हम लोग ये चीज़ वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे, क्लास 9th में भी तुम लोग पढ़े होगे, क्लास 11th में हम लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। तो चलो ये हो गया। तो अगर हम लोग बात करें कि जितना भी हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़े, उसमें से अगर उन लोग का रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, अगर उसको समराइज अगर करना चाहे तो समराइज कैसे कर सकते हैं, देखो एक टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में टेबल ड्रॉ किया हुआ है, एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ता नहीं है बच्चा लोग, कैसे होगा? कितना को एनसीईआरटी पढ़ लिया फिजिकल वर्ल्ड का? कितना कोई पढ़ा फिजिकल वर्ल्ड का एनसीईआरटी, जल्दी बोलो। पढ़े भाई।
हाँ दीपेश पढ़ा है, और कौन पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा? और अरे ऐसे में कैसे होगा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो? एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट फंडामेंटल बुक, ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग बात, नेम हो गया, रेंज हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी बात कर लेंगे। एंड थर्ड फोर्थ वन इज ऑपरेट्स अमोंग, किसके किसके बीच में लगता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला फोर्स जो हम लोग पढ़े वो कौन सा पढ़े थे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े थे। सेकेंड किसके फोर्स के बारे में पढ़े थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड किसके बारे में पढ़े? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़े।